पंजाब नू खेती प्रधान सूबा मन्या जांदा है। इस करके पंजाब दे 70% लोग खेती करके गुजारा करदे ने। इस विच कई वार किसानां नू मुनाफा हुंदा है ते कई वार कुदरती आफतां करके फसलां दा नुकसान हो जांदा है, जिस करके उन्हां नू घाटा भी पै जांदा है। इस करके कई किसानां ने नुकसान नू वेखते हुए बदलवी खेती शुरू कीती है, जिस तो मोटी रकम भी वसूल रहे ने। अजिहे इक नौजवान किसान दे नाल तुहानू मिलाउण जा रहे हां, जो कि ड्रैगन फ्रूट दी खेती करदा अते लखां दी कमाई कर है। यह है हल्का भोआं दे पिंड जंगलां दा रहण वाला किसान। किसी समय यह नौजवान इंजीनियर हुंदा सी ते 10 लाख रुपए तनखा लैंदा सी, पर इसके बावजूद नौकरी छड़ के यह नौजवान अपने पिंड परतिया अते ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। इस खेती चो अज यह नौजवान लखां रुपए कमा रहा है। की कहना इस किसान का, आओ तुहानू सुना दिंदे हां। वजह तो कोई खास है कि कुछ माहौल इवें दे बने कि मैनू पिंड शिफ्ट होना पै रहा सीगा। जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया कि मैं जॉब करदा सीगा दिल्ली दे विच, ते फिर मैनू मतलब कि किसी दूसरे शहर शिफ्ट होना पै रहा सीगा। ठीक है जी, मैं कल्ला होण दे कारण मैनू पिंड भी थोड़ा अपने मदर फादर नू भी देखना पै रहा सीगा। फिर एक आपां एक डिसीजन लै लिया कि आपां ना पिंड शिफ्ट हो के कुछ इदां दा शुरू करना कि जिन्ना साडे कि वधिया इनकम भी बने। फिर आपां ने थोड़ा सर्च किया और देखिया कि एक साडे कोल लैंड ते अपनी हैगी सी, ते फिर आपां इदां दी फार्मिंग देखी ते इहनू आपां ड्रैगन फ्रूट दी फार्मिंग जिहड़ा एक अच्छा किता जिहड़ा कि तुहाडे सामने तुसीं पिछे देख ही रहे हो, इह आपां स्टार्ट किया ते हुण इक वधिया चल रिहा जी। इस तों इलावा सर देखो आपां रवायती फसलां ते कणक झोना दा साडे कोल ऑलरेडी चल ही रिहा है। ठीक है जी, आपां हर साल कुछ ना कुछ नवां ऐड कर रहे हैं। जिवें इस तों इलावा ड्रैगन फ्रूट तों इलावा आपां स्ट्रॉबेरी दी फार्मिंग करदे हां, पिछले 3 सालों तो लगातार आपां ओह वी कर रहे हैं नाल इहदे, और हर साल आपां थोड़ा थोड़ा एरिया वधा देने हैं। इस तों इलावा आपां बोवी है और जन्नत जिहड़ा कि खरबूजा और दवाना जिहड़ा गर्मी दा सीजन आपां ओह वी करीदा। इस तों इलावा साडे कोल अपना की कहिंदे आ जी अपना हल्दी है, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਆ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਨਕਮ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।